उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। सबसे पहली शंका ये कि सुरंग के भीतर मजदूर जो हैं उनके पास कोई बिस्तर नहीं है, गर्म कपड़े नहीं हैं और वहाँ तो इतनी ठंड पड़ रही है, तो अंदर सुरंग के भीतर मजदूरों का क्या हाल होगा। हम इन सब का जवाब भी आपके लिए लेकर आए। अभी हम लोग जब 6 इंच का पाइप डाले थे तो उस समय हम लोग वी आर ऑल्सो एग्जामिनिंग कि कैन बी सेंड सम स्मॉल वार्म जो ओढ़ने के लिए चादर टाइप शॉल टाइप होती है, बट जहां तक हमारी जानकारी जब वो ट्रैप दोनों तरफ से होते हैं तो अंदर सर्दी नहीं होती, गर्मी होती है। इवन टनल में जो नॉर्मल इस साइड काम करते हैं तो थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है, बाहर आके आपको सर्दी लगती है टनल के। और अब बात करते हैं ऑपरेशनल टनल की उस चौथी उम्मीद की जिसने मजदूरों के जल्द बाहर आने की रोशनी को और तेज कर दिया है। प्लास्टिक की इस 1 लीटर बोतल को देखिए जिसमें गर्म खिचड़ी भरी जा रही है। ये तस्वीर ऑपरेशन टनल की चौथी उम्मीद बन चुकी है। ये कोई आम बोतल नहीं है, ये वो निवाला है जो 9 दिन बाद 41 मजदूरों के पेट तक पहुंचा। सुरंग के भीतर पानी और बिजली तो मौजूद था लेकिन अन्न का दाना नहीं। 9 दिन से मजदूरों को सूखे मेवे और मुरमुरा दिया जा रहा था, लेकिन सोमवार को जब रेस्क्यू टीम 6 इंच मोटा पाइप डालने में सफल हुई तो मजदूरों को खाना पहुंचाने का रास्ता खुल गया। It's fantastic, of course, the news we've had over the last few hours. It's great to see the faces of those men that we're going to bring home. We've got, of course, better food going to them now. We've got communications going to them now. सुरंग के नजदीक बन रही दाल और ये खिचड़ी जब 9 दिन बाद फंसे हुए मजदूरों के पेट तक पहुंची होगी तो किसी अमृत से कम महसूस नहीं हुई होगी। उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है, ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के जरिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेसर के जरिए उन तक पहुंचाया जाएगा। खिचड़ी भी बना है और चावल भी बने हैं, ये चावल भी आप देख रहे हैं बने हैं। इसी तरीके से रोटियां भी जाएंगी, ब्रेड भी जाएगा और जितना भी बड़ा खाना होता है जैसे केले हो गए, सेब हो गए, फ्रूट्स में ये भी भेजे जाएंगे। तो ये तैयारी लगातार चल रही है। देखिए ये पैकेट्स बनाए गए हैं, ये दाल है और ये क्या है, ये दलिया है सर। दलिया, तो ये दलिया है और ये संतरे भेजे जी, संतरा। और क्या भेजने की तैयारी है, ये पानी की बोतलें हैं। अच्छा, पानी की बोतलें भेजी जाएगी। अच्छा। सूखे मेवे के सहारे आखिर कितने दिन काटे जा सकते थे, लेकिन अब मजदूरों को न सिर्फ गर्म खाना मिला बल्कि केला और सेब जैसे फल भी दिए जा रहे हैं। इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल और चार्जर पहुँचाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। ABP News आपको रखे आगे।